आईपीएल 2023 नीलामी के बाद आईपीएल के सभी 10 टीमों की ओपनिंग कॉम्बिनेशन कंफर्म्ड हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में आईपीएल 2023 के लिए सभी 10 टीमों के उनके कंफर्म ओपनर्स और साथ ही साथ उनके बैकअप ओपनर्स प्लेयर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, यानी कि आईपीएल की हर टीम की ओपनिंग एनालिसिस करने वाले। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देख रहे हैं। कुछ इस तरह से होने वाली है सभी 10 टीमों की सलामी चोड़ी। बात करें सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, तो आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग की बल्लेबाजी एक बार फिर से करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर, जबकि उनका साथ निभाएंगे पृथ्वी शाह, भारत के युवा ओपनर बल्लेबाज। तो पृथ्वी शाह और डेविड वार्नर एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से करने वाले हैं ओपनिंग की बल्लेबाजी आईपीएल 2023 में। बात करें इनके बैकअप ओपनर्स के बारे में, तो इस टीम में बैकअप ओपनर्स के तौर पर मौजूद हैं ऋषभ पंत, जी हां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, जो सभी मुकाबले तो खेलेंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ओपनिंग के बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। जहां ऋषभ पंत इससे पहले इंडियन क्रिकेट के लिए भी कई बार ओपनिंग के बल्लेबाजी कर चुके हैं और ऋषभ पंत का खुद कहना है कि इनकी सबसे फेवरेट पोजीशन है बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग। अब बात करें यहां दूसरी टीम के बारे में, तो वह है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। अब आईपीएल 2023 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरीद कर टीम में शामिल किया था। उन्हीं में से एक खिलाड़ी थे मयंक अग्रवाल। जी हां, मयंक अग्रवाल आईपीएल 2023 में अब सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले, ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि ओपनिंग की बल्लेबाजी भी करने वाले। तो सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी कुछ इस तरह से होने वाली, नंबर एक पर मयंक अग्रवाल होंगे और इनका साथ निभाएंगे नंबर दो पर अभिषेक शर्मा। तो ये दोनों बल्लेबाज करने वाले ओपनिंग के बल्लेबाजी, और बैकअप के तौर पर एसआरएस की टीम में मौजूद है राहुल त्रिपाठी, जो यूजुअली नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब बात करें तीसरी टीम के बारे में, तो तीसरी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस बार मिनी ऑक्शन से निकोलस पुरन समेत कई शानदार विस्फोटक खिलाड़ी को खरीद कर टीम में शामिल किया था, लेकिन इनकी ओपनिंग जोड़ी सेम रहने वाली आईपीएल 2023 के लिए, जहां एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपनिंग की बल्लेबाजी केएल राहुल इनके कप्तान करने वाले और इनके साथ नंबर दो पर होंगे क्विंटम डीकॉक, बेहतरीन साउथ अफ्रीका के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन। तो ये दोनों ही करेंगे पारी की शुरुआत एलएसजी की तरफ से। अब बैकअप के तौर पर टीम में मौजूद है मनन ओहरा और काइल मेजर्स, ये दोनों ही एक बेहतरीन टॉप ऑर्डर बैट्समैन माने जाते हैं, जरूरत पड़ने पर ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब बात करें चौथी टीम के बारे में, तो वह है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स की तरफ से आईपीएल 2023 में ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले हैं इनके बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और नंबर दो पर होंगे जॉनी बेयरस्टो, इंग्लैंड के बेहतरीन विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज। ये दोनों ही करेंगे ओपनिंग के बल्लेबाजी, जहां एक के पास काफी एक्सपीरियंस है तो दूसरे के पास काफी विस्फोटक अंदाज है। अब बात करें पांचवी टीम के बारे में, तो पांचवी टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो आरआर की तरफ से आईपीएल 2023 में ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले हैं जोस बटलर, इंग्लैंड के बेहतरीन खिलाड़ी, इनका साथ निभाएंगे नंबर दो पर यशस्वी जायसवाल, युवा ओपनर बल्लेबाज। तो जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी हमें देखने को मिलने वाली आईपीएल 2023 में भी, हालांकि बैकअप के तौर पर टीम में दो दो ओपनर मौजूद हैं, एक है संजू सैमसन इनके कप्तान, जो यूजुअली नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर ये भी ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि दूसरे बैकअप ओपनर टीम में मौजूद हैं देवदत्त पड्डीकल, जो यूजुअली नंबर चार पर बल्लेबाजी करेंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर ओपनर बल्लेबाज ही माने जाते हैं। अब बात करें यहां छठी टीम के बारे में, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। अब केकेआर की तरफ से आईपीएल 2023 में ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले वेंकटेश अय्यर, जबकि दूसरे ओपनर होंगे एन जगदीशन या फिर रहमतुल्ला गुरबाज, अफगानिस्तान के बेहतरीन विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर। तो एन जगदीशन और रहमतुल्ला गुरबाज, इन दो में से किसी एक से ओपनिंग की बल्लेबाजी करवाई जाएगी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए। अब बैकअप के तौर पर टीम में मौजूद है रतन दास, बांग्लादेश के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि दूसरे हैं सुनील नारायण, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और ओपनिंग की बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो आरसीबी की तरफ से आईपीएल 2023 में ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले हैं फॉफ डुप्लेसिस, आरसीबी के कप्तान, जबकि इनका साथ निभाएंगे नंबर दो पर विराट कोहली। तो विराट कोहली और फॉफ डुप्लेसिस की जोड़ी हमें इस बार आईपीएल 2023 में मोस्ट लाइकली देखने को मिलने वाली है, हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि आप फिन आलेन से ओपनिंग की बल्लेबाजी करवा सकते हैं, जो न्यूजीलैंड की तरफ से लगातार T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं बतौर ओपनर, और विराट कोहली से आप ओपनिंग की बल्लेबाजी न करवाकर बल्कि आप वन डाउन पर भेजें, नंबर तीन पर अगर विराट कोहली खेलेंगे तो आरसीबी की ना सिर्फ ओपनिंग बल्लेबाजी बल्कि मिडिल ऑर्डर भी काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल टीम मैनेजमेंट फॉफ डुप्लेसिस और विराट कोहली को ही बतौर सलामी जोड़ी देख रही है, और बैकअप के तौर पर टीम में फिन आलेन और अनुज रावत मौजूद
मौजूद हैं जो ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं। बात करें यहाँ मुंबई इंडियंस के बारे में, तो आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की टीम ने कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन विस्फोटक ऑलराउंडर को खरीदकर टीम में शामिल किया था। अब कैमरन ग्रीन ना सिर्फ ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, नंबर तीन पर भी खेल सकते हैं और नंबर पांच और नंबर छह यानी कि लोअर ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो आईपीएल 2023 में क्या होगी मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी, तो एज ओपनर नंबर एक पर होंगे रोहित शर्मा हिटमैन इनके कप्तान और नंबर दो पर ईशान किशन होंगे। ये दोनों ही करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी और इनके बैकअप के तौर पर टीम में मौजूद हैं कैमरन ग्रीन और कैमरन ग्रीन मोस्ट लाइकली मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। बात करें यहां चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो सीएसके की तरफ से आईपीएल 2023 में ओपनिंग की बल्लेबाजी एक बार फिर से करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरे होंगे डिवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के बेहतरीन खिलाड़ी। ये दोनों ही करेंगे ओपनिंग के बल्लेबाजी। अब बैकअप के तौर पर टीम में मौजूद हैं अजिंक्य रहाणे जिन्हें इस बार मिनी ऑक्शन से खरीदकर टीम में शामिल किया गया था, जबकि दूसरे बैकअप ओपनर टीम में मौजूद हैं बेन स्टोक इंग्लैंड के जबरदस्त ऑलराउंडर। अब बेन स्टोक एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, ये ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लोअर ऑर्डर में भी खेल सकते हैं गेंदबाजी के साथ साथ। लेकिन मोस्ट लाइकली बेन स्टोक इस बार आईपीएल 2023 में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। अब बात करें 10वीं और आखिरी टीम के बारे में, तो वह डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम। अब आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग के बल्लेबाजी शुभमन गिल करने वाले और दूसरे ओपनर होंगे वृद्धिमान शाह या फिर मैथ्यू वेड, इन दो में से किसी एक से ओपनिंग की बल्लेबाजी करवाई जाएगी। तो यह होगी सभी 10 टीमों की ओपनिंग कॉम्बिनेशन आईपीएल 2023 के लिए।